हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आई टी एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस क्लास में जो कवर करने वाले हैं वो सर्किट ब्रेकर और रिले को कवर करने वाले हैं। और ये जो आज की क्लास है इसमें मैंने मतलब पूरा कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि लास्ट क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है नीमी पीडीएफ का। ठीक है, ये नीमी पीडीएफ का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने सभी चैप्टर आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, जाकर एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर चैनल पर ही, और उसमें जाकर के आप अपना सभी क्लास देख सकते हैं इससे पहले की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको आंसर करना है फटाफट से। पूछ रहा है कि लीकेज करंट को रोकने के लिए ना, लीकेज करंट बचाव के लिए इसमें कौन से सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है ना, एक साथ की बात हो रही है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है ना, वायरिंग सर्किट के साथ की बात हो रही है भाई। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, देखो इसमें ओसी भी दिया है, एमसीबी दिया है, एलसीबी दिया है। ये जो ओसी भी है ऑल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है ध्यान रखना इसको। एमसीबी भी जानते हो, एलसीबी जानते हो, तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, पावर कट होने के बाद भी है ना, यदि पावर कट हो भी गई है तो उसके बाद भी जो उसके जो अपने मतलब रिले हैं उसको अपने क्या रखते हैं, एक किस्म से कॉन्टैक्ट में रखते हैं ना, कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो इसी स्थिति आपको बताना है कि आपको इसका नाम बताना है, क्या राइट आंसर इसमें जाना चाहिए है ना। रिले की बात हुई है, कौन सा रिले जो है इसमें मतलब स्थिति में रखता है अपने संपर्कों को, यानी ये कट होने के बाद भी। तो 233 का आपको राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ पर जो आप लोग सही आंसर लगाओगे वो जाएगा आपका लेचिंग रिले। ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी ऑप्शन, इसमें सही आंसर चला जाएगा। 233 का आप लोग का डी आंसर दिए इसमें सही चला जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, सर्किट ब्रेकर आपको दिया है, यहाँ पर डायग्राम कुछ दे रखा है, इसका आपको नाम बताना है ना, इसका आपको नाम बताना है कि क्या इसका नाम है ना, ये आपको नाम बताना है 234 में जी। तो यहाँ पर जो हम जाएगा ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्या है भाई, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऑप्शन, इसमें सही आंसर चला जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि सर्किट में जो ब्रेकर होता है ना उसकी क्षमता होती है, उससे मूल्यांकन आप कैसे करते हैं, किलो वाट में करते हैं, किलो वोल्टेज में करते हैं, या फिर बताइए मिली वोल्टेज एम्पियर में करते हैं, या फिर किलो वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस में करते हैं। तो आपको बताना है क्या इसमें सही आंसर जानना चाहिए, 235 का आपको सही आंसर लगाना है जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर आप लोग का सही आंसर इसमें चला जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला। यहाँ पर दिया है कि संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है, पिकअप वोल्टेज की बात यहाँ पर हो रही है ना, पिकअप वोल्टेज। तो डियर यहाँ पर जो हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन तो नहीं होने वाला इसमें, अधिक रिले रेटिंग भी नहीं होगी इसमें, रिले न्यूनतम वोल्टेज भी नहीं होगा, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले का कार्य क्या है, मैंने बुखोल्स रिले बेसिक्स आपको करवाया कि क्या कार्य होता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है दोबारा फिर से। ठीक है, इसका आपको आंसर लगाना है, सही आंसर क्या जाएगा बुखोल्स रिले का, सही आंसर बैठेगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर इसमें चला जाएगा। हालांकि बुखोल्स रिले के बारे में मैंने आपको बेसिक से पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है, जो क्लासेस हुई हैं तो एक बार जरूर देखना। तो ये सवाल पूछा है कि किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा सुनिश्चित होता है। देखो एमसीबी जो है भाई कई प्रकार की आपकी होती हैं, एक तो बी होती है, उसके बाद सी होती है, डी होती है, के होती है, और भाई आपकी जेड भी होती है। ठीक है, अब ये प्रकार आप पता कैसे करते हो, क्योंकि एमसीबी पे वह लिखा होता है कि कौन से प्रकार के, बी सी के है, सी की है, डी की है, तो उस पर एमसीबी पे लिखा होता है। ठीक है, सब कुछ लिखा होता है। तो पूछ रहा है जी श्रेणी में किस प्रकार के यूज़ होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, यहाँ पर एयर कंडीशनर, ठीक है, इसमें यूज़ होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो लग रहा है यहाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, 239 का आपको सही आंसर यहाँ पर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें इम्पल्स रिले जो सही आंसर आएगा, आवेग रिले, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सही आंसर इसमें चला जाएगा, बी ऑप्शन। सवाल नंबर अगले बढ़ते हैं 240 नंबर की, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण है ना,
के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करता है ना, घरेलू की बात हो जाए, घर में एक किस्म से, है ना, किस सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। जी बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है, क्या इसमें सही आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर, भाई यूज़ सब लोग करते हैं, एमसीबी का यूज़ करते हैं ना, सबको पता है किसका यूज़ होता है, एमसीबी का यूज़ होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऑप्शन इसमें चला जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल है आपको दिया गया है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है, ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। तो डियर यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा वो रिमोट ऑपरेशन आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का इसमें सही आंसर चला जाएगा। 242 की ओर बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि नियंत्रण सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है, रिले का कार्य आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आएगा डी ऑप्शन इसमें क्लियर चला जाएगा। देखो कुछ ही क्वेश्चन है इसमें और उसके बाद इसका दी एंड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में, क्योंकि छोटा चैप्टर है ये और ये भी खत्म हो जाएगा ना। एक्स वाले पार्ट के बारे में क्या पूछा है कि ये एक्स वाले पार्ट के देखे बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 243 कि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ईएलसीबी के स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरी बात सुन ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्स वाला पार्ट दे रखा है ना यहाँ पर, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, पूरे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है क्या इसमें सही आंसर जाना चाहिए। तो आप लोग लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी, है ना, सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। तो अगर ये रुक रुक के बंद हो रहा है तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सही आंसर जाएगा रिले की गलत सेटिंग होना, ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें रिले की गलत सेटिंग होना, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही आंसर इसमें क्लियर चला जाएगा, ठीक है डियर। चलिए सवाल आपको देखा, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा, ये सवाल आपसे पूछा 245 में। तो भाई इसमें जो सही आंसर जाएगा वो कम परावैद्युत शक्ति, ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें सही आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है डियर। चलिए अगला सवाल 246 नंबर, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है, ये आपसे दिया गया है 246 में, इसका सही आंसर आपको करना है, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर डियर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, इंसुलेशन विफलता, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। तो देखो मेरी बात सुनो, इसका जो है मैटर तो खत्म हो चुका है हमारा ये, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का, ठीक है डियर। अगर जिसको भी क्लासेस देखनी है सभी बेसिक से, तो आप लोग क्या काम करना, मतलब सभी जो आपके न्यू पैटर्न की क्लास है ना, आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए चैनल की, उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर क्लास मिल जाएगी, सभी क्लासेस वैसे मिल जाएगी देखने को, जो सी भी आपको देखनी है क्लिक करके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हो, जैसे कि आप लोग ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, लिखा है ITExam.YT.NET के नाम से वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो और अपना जो है टेस्ट लगाए जितना हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है, जितना हो सकता है आपको टेस्ट लगाना है। ये हमारी जो है वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ITExam.YT.NET के नाम से है, इस पर जाइए और ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पर आप लोग जा करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग ITExam सर्च कर देना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। क्लास को हम समाप्त करते हैं, अब कोई भी सवाल हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।